Yo, this is not Karan Aujla. भाई आजकल क्या हो रखा है यार लोगों को, लोग ड्रिल में इतना पागल क्यों हैं? स्पेशली जो इंडियन ड्रिल्स है ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही जा रही है, पता नहीं क्यों। स्टार्टिंग आई थिंक हुई थी यूके ड्रिल से, सारे लोग यूके ड्रिल पर रैक्स बना रहे थे, बट धीरे धीरे अब इंडियन ड्रिल्स का मौसम आ रहा है। तुम्हें पता है इंडियन ड्रिल्स तुम्हें कौन सिखाएगा? तो करते हैं आज का कार्यक्रम स्टार्ट, एंड बताता हूँ मैं तुम्हें कैसे बनानी है तुम्हें एक हार्ड हिटिंग इंडियन बॉलीवुड स्टाइल ड्रिल बीट। चलो भाई, सेट करो अपने बीपीएम को अराउंड 138 से लेकर 150 के बीच में। तो हमने इस ड्रिल का रखा है 144। तो यहाँ पर हमने जो एक मूवी है साउथ की, हेलो, एंड इंडियन डब में उसको तकदीर है उसका नाम, आई थिंक सो इस बीट का नाम भी मैंने तकदीर ही रखा है। तो उसी का जो मेन थीम सॉन्ग है उसको हम यूज करने वाले हैं एज अ सैंपल, और जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एक हार्ड हिटिंग ड्रिल बीट में। एंड जिसने भी ये मूवी देखी है उसको पता होगा कि ये वाला ट्रैक कितना ज्यादा फेमस है। इवन ये बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला ट्रैक, और बहुत लोग सुनते भी है इसको। एंड ओवरऑल इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा EQ, देन कैमल क्रशर्स फॉर थोड़ा सा क्रंचीनेस, वेल हेला डिले एंड रिवर्ब, थोड़ा सा जो खालीपन होता है ना मेलोडी में वो इससे भर जाता है भाई। देन अगेन EQ, इसमें हमने लो कट किया है, लो फ्रिक्वेंसी को कट, एंड उसके बाद इमेजर से हमने थोड़ा सा इसको बताया, मैंने यार मुझे वाइड चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। या ओवरऑल हमारी जो मेलोडी है वो यही है, हमने बस सैंपल उठाया उसको थोड़ा सा ट्विक किया। तो मेन मेलोडी को सपोर्ट करने के लिए हमने इसमें थोड़े से ऐड किए हैं स्ट्रिंग्स, जो कि साइमेटिक्स की तरफ से, देन पैड, इसकी काफी कम वॉल्यूम रखी है। तो ओवरऑल जो हमारी मेलोडी है वो कुछ इस टाइप की है। तो या ये काफी इमोशनल वाइब दे रही है, जो हमारे इस इमोशनल ड्रिल बीट के लिए जरूरी भी है। तो हमारा मेलोडी सेक्शन ओवरऑल कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं ड्रम्स की। तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडियन ड्रिल तो वो बना देते हैं लाइक इंडियन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कोई भी यूज कर लिया, लेकिन वो ड्रम्स हमेशा यूके ड्रिल टाइप के ही यूज करते हैं। मेरा डिफरेंट है, मैं थोड़ा इसमें इंडियन मसाला जरूर से एड ऑन करता हूँ ड्रम्स में, स्टार्टिंग विद ड्रम्स। तो मोस्ट ऑफ ड्रिल बीट्स का यही पैटर्न रहता है, इसमें तुम वेलोसिटी एंड पैनिंग के साथ थोड़ा सा खेल सकते हो। देन आ जाते हैं आपके किक एंड स्नेयर, इसमें 3/8 रूल हमेशा याद रखना। एंड उसके बाद अपने 8/8s, नहीं कर दो स्लाइड्स जितनी होती है तुमसे, कर दो बस कर दो, ठीक है, उसका एक पैटर्न होता है, ऐसे ही नहीं करना होता। तो यहां पर अब हमारे आ जाते हैं इंडियन प्रिक्यूशंस। तो ये सबसे पहले ये तुमने सुना होगा, ये तबला का साउंड होती है, जो हमारा हाई हैट पैटर्न था सेम हमने कॉपी किया एंड कुछ इस तरीके का साउंड कर रहा है। तो यहां पर काउंटर स्नेयर भी है, हमने बस यही इंडियन प्रिक्यूशंस यूज नहीं किए हैं। यहां पर मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं, जस्ट सुनो इसको एक बार। ये अलग अलग सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अगर तुम कंप्लीट बीट के साथ सुनते हो तो बहुत ऑसम लगता है। एंड यहां पर अपनी आ गई गनशॉट साउंड विद डिले। मेन मेलोडी थी उसमें मिड बेस फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी, तो हमने क्या किया यहां पर अपना खुद का बेस डाल दिया यार। तो यहां पर सोनीताना ऑर्केस्ट्रा से हमने जो होता है ना, ये कौन सा होता है, ये डबल बेस, हाँ लाइक वाइनल वाला होता है ना वो बहुत बड़ा सा बेस, उसको यूज किया है। एंड साथ में इसके सकूरा से एक रिसेट हमने यूज किया है, बेस स्टैंड अप FG, ये कुछ इस तरीके का साउंड करता है। ऑफ कोर्स आपने हेडफोन पहनेंगे तभी आप सुन सकते हो उसको। जो इसकी ओरिजिनल मेलोडी है उसके साथ ही उसके बेस नोट्स, तो इस तरीके से बन जाता है अपना कंप्लीट ट्रैक। पूरा सुनना चाहते हो, चाहते हो ऑफ कोर्स, नहीं भी चाहते हो हम तब भी सुनाएंगे यार। तो स्टार्टिंग अप विद द मेन मेलोडी, यहाँ पर शेफर बॉक्स हमारा एड ऑन हो जाता है, एंड वो बेस जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड ये स्ट्रिंग्स बहुत सही लग रही है बैकग्राउंड में, लिटरली बहुत सही लग रही है। ओके, प्रिक्यूशन जाने वाला है। जस्ट उस स्टॉप फिल को देखना, सुनना में Hey.
देखा वो प्रिक्यूशन अब कैसे लग रहे हैं फुल बीट के साथ। देन उसके आपका ब्रिज आ जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था किसी बीट का या किसी सॉन्ग का, तो मैं क्या करता हूँ, कोई ओल्ड ट्रैक सुनता हूँ, कोई ओल्ड बॉलीवुड ट्रैक हो गया कुछ भी, तो उसको जो मुझे ट्रैक बढ़िया लगता है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, उसकी मेलोडी वगैरह को फ्लिप करने की कोशिश करता हूँ एंड इस तरीके कुछ ड्रिल बीट्स बनाता रहता हूँ। तो उसी तरीके से मुझे इसका भी आइडिया आया था तो मैंने बना दिया एंड आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किया करो, तुम लोग ऐसे भाग जाते हो, नहीं नहीं लाइक करो एंड शेयर करो अपने प्रोड्यूसर दोस्तों के साथ एंड जो आपके रैपर दोस्त हैं उनके साथ, क्योंकि ये वाली बीट आपको अवेलेबल मिल जाएगी मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रैपोजिला बीट्स। वहां पर मैं इसी तरीके के बीट लाता हूं, स्पेशली जो अपने ड्रिल बीट्स होते हैं उस तरीके के। एंड अगर आपको कुछ और वीडियोस देखने की, आप किस तरीके से बॉलीवुड सैंपल्स को या फिर किसी भी तरीके के सैंपल को फ्लिप कर सकते हो तो यहां पर क्लिक करो, यहां पर आपको और वीडियोस मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स हमारा चैनल मोस्ट ऑफ ड्रिल बीट्स पर ही आधारित है। तो चलता हूं फिर, बाय।